हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अरविद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 12 रबीउल अव्वल का आज मुकद्दस दिन है जब पूरी कौम ईद मिलादुल नबी के जश्न में मगन है, हर सू चरागा हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे ही आज के दिन दहशतगर्दों ने पेशावर की ज़रे यूनिवर्सिटी को लहूलहान कर दिया और आमतौर पर 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है सिक्योरिटी को लेकर पुलिस पर खासा प्रेशर होता है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद जब ये दहशतगर्दी का हमला हुआ तो पुलिस का रिस्पॉन्स खासा क्विक था। 3 मिनट में पुलिस की पहली मदद वहां पर पहुंची जिन्होंने दहशतगर्दों को एक हॉस्टल तक महदूद किया, तलबा को बाहर निकाला गया फौरी तौर पर, जिसके बाद एफसी की मजीद नफरी आई। फौज के जो जवान थे वो मौके पर पहुंचे, मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और फिर इस ऑपरेशन की मदद से दहशतगर्दों को मार गिराया गया। किस तरह से आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की, किस तरह से जो पूरी सूरत हाल थी उसको कंट्रोल किया गया, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। आप पहले ये रिपोर्ट देखें फिर इस पर मजीद बात होगी। पेशावर में दहशतगर्दों का दर्जगाह पर एक और वार, सुबह सवेरे एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दों के अजायम खाक में मिला दिए। पुलिस और अफवाज ने डट कर मुकाबला किया। जमीन ही नहीं फजा भी कहर बनकर टूटे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में मौजूद तलबा, खवातीन और बच्चों को भी बहिफाजत निकाला। इमदादी कार्रवाइयां भी साथ साथ जारी रहीं। हमले में 6 तलबा समेत 9 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए। लेकिन फोर्सेस के फौरी रिएक्शन ने शहर को बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। तो इस तरह से आज ये तमाम तर कार्रवाई की गई, नुकसान तो हुआ, जानी नुकसान हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिस्पांस दिया, जिस तरह से कार्रवाई की गई वो भी काबिल तारीफ है। इस मौके पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने जो आज ये पूरी कार्रवाई थी इसको सराहा। कुछ देर पहले ही मीडिया से मुखातिब भी हुए थे और आज होने वाली इस कार्रवाई की मजम्मत भी की और इस बारे में उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। हमारे शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए वफाकी हुकूमत 10 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन भी देगी और जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उन्हें 5 लाख और जो जख्मी हैं उन्हें 2 लाख। हर वो खून का कतरा जो इस धरती में दहशतगर्दी की वाक़े से बहता है वो हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं करता, मजबूत करता है। और आज एक हमने इजलास की भी सदारत की है और उसमें मैंने सूबाई हुकूमत को यकीन दिलाया है। ख़ास तौर पे मैं फौज के किरदार की तारीफ़ करना चाहूँगा और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनकी बरवक्त कार्रवाई से और उनकी बहादुरी से बहुत सारी जानें नुकसान से बच गई हैं। नुकसान हो सकता था और इससे ज़्यादा भयानक हो सकता था, लेकिन जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज कार्रवाई की गई उससे नुकसान से बचा गया। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल साहब, इनको आपने सुना, लेकिन पेशावर में 7 दिन में दूसरा बड़ा ये दहशतगर्द हमला है। पिछले हफ्ते एडिशनल IG हेडक्वार्टर अशरफ गनी को भी जुमे का दिन ही था कि जब निशाना बनाया गया और 7 दिन में दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाकया। तो दहशतगर्द ऐसे हालात में फिर से सरगर्म क्यों हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं, ये तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, रीजनल पीस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के सरबरा भी हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपका। टेररिज्म अटैक हुआ है आज फिर सर, और पेशावर में देखा जाए तो ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी कार्रवाई हुई है और जो भी हालात हैं उसे लगता क्या है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम जीतने जा रहे थे क्या वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है आपको? और जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी नहीं करेंगे जी। और उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे उस वक़्त तक ये जरासीम जो हैं वो मौजूद रहेंगे।
होता यह है कि जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा होता है तो लाजमी बात है कि इतनी फ्रीडम के साथ, इतनी आज़ादी के साथ ये लोग अपने अपना घनौना कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ये अटैक करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जी दहशतगर्दी बहुत कम हो गई है, मेरे हिसाब से कम हुई है, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं हुई, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्चुअली रोज़ाना के हिसाब से कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो सारे मुल्क में हो रहे हैं। कभी बलूचिस्तान में हो जाते हैं, कभी केपी में हो जाते हैं, कभी फाटा में हो जाते हैं, कभी इसी तरह से मुल्क के दूसरे शहरों में होते हैं। तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई, हाँ मार्जिनली कम हुई होगी, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को रेडिकली ऑल्टर नहीं करेंगे और हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हम करेंगे कि हमने दहशतगर्दी के तमाम जो मराकज़ हैं जहाँ से ये सब दहशतगर्दी फैलती है, जहाँ से रेडिकलाइजेशन फैलती है, जब तक हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये दहशतगर्दी जो है ये मौजूद रहेगी हमारे मुल्क में। दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा तो हुआ है, लेकिन जिन मराकज की आप बात करें उनको बंद कैसे किया जाए? और फिर सवाल ये भी है कि कौन बंद करे उसको? रियासत की रिट चैलेंज की गई, नाकाम तो मैं नहीं कहूंगी, ये वर्ड तो नहीं कहूंगी, लेकिन रिट बचाने में कामयाबी भी नहीं हुई, तो फिर ऐसे में जो दहशतगर्दी के मराकज हैं उनका खात्मा कैसे मुमकिन होगा? और आपको लगता है कि रियासत इतनी मजबूत है कि वो इन मराकज का खात्मा कर सके? देखिए जी, आप नेशनल एक्शन प्लान को अगर आप सामने रखें अपने, तो उसको आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना जी। उसमें बड़े क्लियर जो अहदाफ थे उनको वजह की, उसको पॉलिटिकल हुकूमत ने और हुकूमत ने और मिलिट्री ने इनको अचीव करना था। मिलिट्री तो काफ़ी हद तक अपने अहदाफ जो है उनको अचीव कर चुकी हुई है, लेकिन जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो मिसिंग है। और उसी की बात आप भी कर रही हैं कि आज उसकी उस रियासत की रिट जो है इस हुकूमत की नाकारियों की वजह से इस हद तक चैलेंज हो चुकी हुई है कि ये कुछ भी करने के काबिल ये हुकूमत नहीं रही हुई। सो इसके एक या दो तरह जिसकी बेसिस के ऊपर आप आगे जा सकते हैं। देखिए, अब इस दहशतगर्दी के जो मराकज़ कौन कौन से हैं, मराकज़ मैं उनकी एक एक करके बात कर लेते हैं जी। इसी नेशनल एक्शन प्लान में आपने कहा था कि ये जो मदरसे हैं इनको आपने रेगुलेट करना है, क्या आपने रेगुलेट किया? नहीं। क्या इसी नेशनल एक्शन प्लान में ये कहा था कि वो मसाजिद दोनों जहाँ से जहर उगला जाता है उनको आप रेगुलेट करेंगे, क्या आपने किया? नहीं। नेक्टा को आपने ऑपरेशनलाइज करना था, नहीं किया। इसी तरह से आपने टेरर फंडिंग को ख़त्म करनी थी, टेरर फंडिंग ख़त्म होने की बजाय इस वक्त जो हुकूमत है वो खुद फंडिंग में मुलव्वस पाई जा रही है। उसने एक खबर के मुताबिक ये लोग जिन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर आके कब्जा किया हुआ था उनको सुनाया कि जी एक फिगर है 20 करोड़ रुपये की, एक फिगर है 50 करोड़ रुपये की जो उनको दी है। तो ये जो पैसा दिया गया ये क्या किस काम आएगा? इसी हिसाब से और भी आपने सिलेबस के ऊपर काम करना था, इसी हिसाब से आपने और भी बहुत सारे काम करने थे जो क्लियरली उसमें नेशनल एक्शन प्लान में एनन्सिएट किए गए हुए थे, लेकिन ये अपनी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, अपनी पॉलिटिकल नीड्स की वजह से ये लोग वो काम इन्होंने नहीं किए। कंसिक्वेंटली जब लोगों को, इस किस्म के लोगों को पता चलता है कि जी रियासत जो है वो कमज़ोर हो रही है और रियासत में जो हुकूमत ऑपरेट कर रही है वो ये काम नहीं कर रही, तो वो लाजमी बात है कि उनको जला मिलती है और वो और ज़्यादा डेयरिंग तरीके से ये इस किस्म के काम करते हैं। सो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि दहशतगर्दी के वाकयात में कमी नहीं हुई, बल्कि एक लिहाज से अब अगर देखा जाए पिछले एक या दो महीने में तो ये दहशतगर्दी के वाकयात जो है आप अग्री तो कर रहे हैं, ये तेजी से में इजाफा हुआ है। यहाँ अहम बात ये भी है कि रियासत की कमजोरी नुमाया पहले इस धरने से वाजे हुई है, विजिबल हो गई है कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो काम होना था वो नहीं हुआ है। अब इतनी बेबसी हमें नजर आई, इतनी कमजोर हुकूमत अगर हमें नजर आई तो नैब के लिए कैसे काम करेगी? आपको नेशनल एक्शन प्लान पर काम होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले वक्त में? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा जी। जब इस हुकूमत में कुछ थोड़ी बहुत इनमें क्रेडिबिलिटी मौजूद थी उस वक्त इन्होंने काम नहीं किया, तो अब जबकि ये बिल्कुल जमीन के ऊपर लगे हुए हैं, ये हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं पाकिस्तान के सारे बाकी इदारों के सामने, और आपकी जो हुकूमत है उसका सिर्फ एक काम रह गया है, वो आपको पता होगा वो क्या है कि नवाज शरीफ को बचाना किस तरीके से है। जो मिनिस्टर्स आपके रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको ये नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या मुल्क की इकोनॉमी का हाल है, क्या मुल्क के अदारों का हाल है, कोई उसके ऊपर सोचता नहीं है, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। बात उनको करने को आती है तो सिवाय उस शख्स को जो कि डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिसके खिलाफ मुतअद्दद मुकदमे जो हैं इस वक्त वो सुने जा रहे हैं, तमाम जो हैं जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, जितने आपके ये जो साइकोफेंस हैं, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि किस तरीके से रोज एक ना एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ की हमायत में दे देते हैं कि जी वो तो बेकसूर है। एक वो पीपल्स पार्टी के लोग बेकसूर थे, एक ये लोग बेकसूर है, पता नहीं फिर रियासत को इस नहज तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, वो फिर फरिश्ते होंगे। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। ये यहाँ देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 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 इसी हुकूमत के साथ और कुछ दिन कुछ हफ्ते गुजारा किया
तो फ्रेंकली आपकी रियासत का वजूद जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। तो फैक्टर्स हैं अगर हम उस तरफ देखें, DGISPR ने इस हमले के बाद गुफ्तगू की मीडिया से और वो उन्होंने जिस तरह से बताया इस बारे में कि अफगान पनाहगुजीन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है और हमलावर तो अफगानिस्तान से आते हैं लेकिन उनके सहूलतकार अफगान पनाहगुजीनों के अंदर मौजूद हैं, उनके दरमियान ही हैं और उनकी निशानदेही भी बड़ा मुश्किल काम है। तो अफगान पनाहगुजीनों की वापसी से मसला हल अगर हो सकता है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकी जा सकती है, तो फिर इस पर काम हो क्यों नहीं रहा है और इस पर आपको मुश्किल क्या नजर आती है? मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो मौजूद नहीं है। अगर DGISPR ने ये कहा है तो वो लाजमी बात है उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। तो अगर ये मसला अगर है तो उसको हल करना है और हल करने के लिए आपको एक पावरफुल, एक ताकतवर हुकूमत चाहिए, एक क्रेडिबल हुकूमत चाहिए। वो क्रेडिबल हुकूमत इस मुल्क, अब फौज ने तो जाके ये मसला हल नहीं करना ना। बिल्कुल, जो प्रॉब्लम इस वक्त बना हुआ है वो इस वक्त इसलिए बना हुआ है कि जो पॉलिटिकल हुकूमत की कमजोरी या उसकी रिट की गैर मौजूदगी में एक वैक्यूम क्रिएट हुई हुई है और उस वैक्यूम में ये तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं। मैं लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो पॉलिटिकल जो पार्टी उन्होंने बनाई है और जिस तरीके से उन्होंने आके इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा किया हुआ था, मैं उनको दहशतगर्द कहूंगा, उनको भी दहशतगर्द कहूंगा। जो मजहब का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं वो भी दहशतगर्द हैं। तो ये देखिए स्टेट की रेट चाहिए, स्टेट की रेट आती है हुकूमत के जरिए। अफगान पनाहगुजीनों वाले सवाल पर ही आऊंगी रऊफ हसन साहब, इससे मुतालिक हुकूमत भी कई मरतबा बयान देती रही है, माजी में भी कहती रही है कि ये मसला तो मौजूद है लेकिन हल नहीं किया जाता, डेडलाइंस भी बहुत दी गई हैं, अफगान पनाहगुजीनों की जो वापसी है वो मुमकिन नहीं हो पा रही, तो जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। बिल्कुल हुकूमत को समझता हूँ, और किसको आप जिम्मेदार कहेंगे? क्या आप फौज को जिम्मेदार करेंगे? क्योंकि फौज तो बारहा कह चुकी हुई है कि ये अफगान जो है इनको वापस भेजना चाहिए। और अगर अफगानिस्तान में जो ताल्लुकात, अफगानिस्तान में हालात बेहतर अगर हुए हैं तो बिल्कुल ठीक है, इनकी वापसी शुरू होने चाहिए, लेकिन लाजमी बात है ये कोई यूनिलैटरल एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता। आप इनको, यू कांट जस्ट पिक देम अप एंड थ्रो देम अक्रॉस द बॉर्डर। लाजमी बात है कि इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को अफगान हुकूमत के साथ बैठ के मामला को डिस्कस करके हल तलाश करना होगा कि ये जो इतने ज्यादा महाजरीन अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं इनको किस तरीके से आपने वापस भेजना है। वो हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। कौन जाके अफगान हुकूमत से बात करेगा? कौन इन थॉर्नी इश्यूज को उनके साथ टेकअप करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा? तो अगर फौज जाएगी, अगर फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाएंगे, वो को मसला कोशिश करेंगे अपने तई, तो फिर जो यहाँ का मीडिया और यहाँ के बाकी लोग जो है वो फिर फौज को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, आपके सामने यहाँ इस्लामाबाद में एक चीज सामने हुई है, आपकी हुकूमत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उस ऑपरेशन के बारे में इतना वक्त नहीं होगा कि मैं बात करूं। जी जी। लेकिन उसके बाद आपकी हुकूमत ने खुद फौज को कहा है जी कि आप जिस तरह से चाहें इस मसले को हल कर लीजिए, जबकि उन्होंने मसला हल किया है तो आप लोग जो है वो, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता जिस तरीके से मसला हल किया गया। आप जितना आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप हमारे साथ ही हैं, SSP ऑपरेशन KPK सज्जाद खान किया, जरा मैं उनसे भी बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया SSP साहब, आपका पूरा दिन ही हमने देखा कि आप ऑपरेशन की सरबराही कर रहे थे और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने दहशतगर्दों को हैंडल भी किया। नुकसान हुआ है, कीमती जाने गई हैं, लेकिन जाहिर है इससे भी ज्यादा भयानक हालात हो सकते थे, उन हालात से हम बचे हैं। पिछले जुमे को भी एक वाकया पेश आया था, जरई यूनिवर्सिटी पर यह हमला हो गया, तो पिशावर में जो दहशतगर्दों के अचानक से सरगर्म होने की वजह क्या समझते हैं आप? पिशावर का खदुहाल ऐसा है, जाहिर है तमाम रास्तों पर नजर रखना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो वाकया पेश आए हैं इसके पीछे क्या रीजन देख रहे हैं? पेशावर की जो लोकेशन है वो आप सबको पता है कि तीन तरफ से फाटा में गिरा हुआ है और अफगानिस्तान से भी डिस्टेंस कम है, और यह है कि जंग है अभी ये चूंकि जारी है, तो आज जो वाक्य हुआ है तो इसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि कम से कम जो है वो नुकसान हुआ है, और उसकी वजह यह है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स से जो थे वो फौरन पहुंचे हैं, उनने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से जो खुदकश थे उनके जैकेट भी नहीं पड़ सके हैं और उनको सही तरीके से प्रोफेशनली एंगेज किया गया है, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कम से कम हुआ है, और जो हॉस्टल है और जो कॉलोनी है वहाँ से फैमिलीज और स्टूडेंट्स जो है उनको बहिफाजत पुलिस और फोर्सेस ने। ठीक है सज्जाद खान साहब, पुलिस का जो रिस्पांस था वो तो वाकई बड़ा क्विक था, 3 मिनट के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं, आप फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे थे, कार्रवाई हुई। क्या तालीमी इदारों से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई थ्रेट थी, पेशगी इतला थी आप लोगों के पास? इस तरह कोई स्पेसिफिक इस इदारे के मुताल्लिक या इस बिल्डिंग के हवाले से तो नहीं था, लेकिन जाहिर है कि हमारा जो लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस है वक्त के साथ साथ वो बेहतर हो गया है,
और इसी वजह से आज जो हमारा रिस्पांस था वो 4-5 एसएसपी साहब, आज तो 12 रबीउल अव्वल का भी दिन, 12 रबीउल अव्वल भी है, तो उसको लेकर तो सिक्योरिटी वैसे भी काफ़ी प्रेशर भी होता है, और आज के दिन पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफ़ी सख्त कर दी जाती है, तो दहशत गर्दों ने आज के दिन का इंतखाब आप समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से किया था? नहीं, आपने देख लिया कि पुलिस जो था है वो इधर भी कुछ चंद ही मिनट में पहुंच गई है जी। तो ये नहीं हो सकता, पुलिस जो है वो जो रबीउल अव्वल के जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है उस पर भी हमारी तवज्जो थी, वो प्रोग्राम ज़्यादातर इवनिंग में थे, आफ्टरनून में थे, और यहाँ भी हमारा रिस्पॉन्स जो था वो बड़ा क्विक था, ठीक है, और जिसकी वजह से ये बचत हुई है। आप सही कह रहे हैं, पुलिस की जानिब से तो जाहिर है जिस तरह की कार्रवाई की गई बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटा गया मामले को, लेकिन जितना असलाह वो दहशतगर्द लेकर घूमते रहे, इतना असलाह यूनिवर्सिटी तक लेकर आ जाना, कहीं ना कहीं आप इसको सिक्योरिटी लैप्स तो कहेंगे, कहीं ना कहीं कोई कोताही तो नजर आती है? पेशावर बहुत बड़ा जो है शहर है, और हम कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से इसको सिक्योर करने की, और ये जो दहशतगर्द थे मैं आपको बताते चलूं कि ये बुरके पहन के आए हुए थे रक्षे में, और उसकी वजह ये है कि पुलिस जो है वो अलर्ट है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का वो उनको करना पड़ा। पुलिस जो है वो अलर्ट है, हमारे जो चेक पोस्ट हैं हर तरफ, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि तीन तरफ से फाटा है, अफगानिस्तान से भी डिस्टेंस कम है जलालाबाद से, तो ये हो गया है, लेकिन जाहिर है कि फिर हमारा जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा। बहुत शुक्रिया एसएसपी ऑपरेशन सज्जाद खान साहब हमारे मौजूद थे, और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई उससे मुतालिक हमें बता रहे थे, पूरा वक्त मौजूद रहे, इस ऑपरेशन की सरबराही भी करते रहे वहाँ पर। उसके बाद आईएसपीआर की जानिब से जब इस हमले से मुतालिक बात की गई तो ये कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं वो उनको सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान की जानिब से, वो यहाँ पर आते हैं और सहूलतकार अफगान पना गुजीनों में मौजूद है। तो रऊफ हसन साहब, हम अफगान पना गुजीनों की जो बात कर रहे थे, अशरफ गनी साहब ने आज पाकिस्तान को बराह रास्त मुज़ाकरात की भी पेशकश की है, तो ये जो बयान है इसको कितना संजीदगी से रियासत को लेना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अब इस सिलसिले में, क्योंकि अफगानिस्तान से बात तो करनी है? हमें फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, ऑलरेडी बहुत डिलेड हो चुके हुए हैं, अगर मैंने ये बयान नहीं देखा जैसा कि आप कह रही हैं कि अगर प्रेसिडेंट गनी साहब का ये बयान आया, तो मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ करना चाहिए। लेकिन मैं फिर अपने उस बेसिक प्रॉब्लम की तरफ आऊँगा कि मुझे ये बताएं मुज़ाकरात करेगा कौन, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है इस वक्त, मतलब डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली और रीजनली एंड इंटरनेशनली, कौन इस हुकूमत को सीरियसली लेगा? सो इनको देखिए, पाकिस्तान में अपने मसाइल बाकी मुल्कों के साथ हल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि अब अपने तई अपने मसाइल हल करें। हमें एक पाकिस्तान में इस वक्त एक क्रेडिबल और एक ताकतवर हुकूमत की जरूरत है जो पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट को लेके आगे चल सके और वो मसाइल हल कर सके। मुझे इस हुकूमत से ये होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतनी देर पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे हमरा मौजूद थे और इजहार ख्याल कर रहे थे कि किस तरह से रियासत पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, हालात जो अंदरूनी तौर पर हैं हुकूमत उससे तो निमट रही है, लेकिन बाहर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के धरने को ख़त्म हुए एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं अब भी आ रहे हैं। लाहौर में अब भी मजहबी जमातों का एक ग्रोह है जो कि धरना दिए बैठा हुआ है, और लग यही रहा है कि ये लोग भी वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्ला का इस्तीफ़ा लिए बगैर उठने वाले नहीं हैं। जिस तरह से 21 रोज तक इस्लामाबाद धरने को डील किया गया, और जिस तरह अब पंजाब असम्बली के बाहर बैठे लोगों को छूट दी जा रही है, ये अमल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। हमारी हुकूमत है, इंतजामिया है और इंटेलिजेंस इदारे, इन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पूछा ये जा रहा है कि किस तरह मुट्ठी भर जो लोग हैं वो पूरी की पूरी इंतजामिया को बेबस कर सकते हैं। इस पूरे मामले में हुकूमती रिट कमज़ोर नज़र आई, अब इंतहा पसंदी का एक नया चेहरा है जो कि पूरी दुनिया ने देखा, और लग ऐसा रहा है कि जैसे हमारी हुकूमत आज भी इंतहा पसंदी के आगे बेबस है। फिर जिस मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे मजहबी जमातों के धरने और उसके हल की निशानदेही तजवीज़ ना कर सकें, तो फिर सवाल ये उठाया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी हो गई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो गई, तो इसके अंदर पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा?
ये तमाम सवालात बहुत सख्त हैं, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर इन्हीं खदशात का इजहार किया जा रहा है। और ये सब ऐसे हालात में हो रहा है कि जब अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस की आमद तय है पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक बार फिर वो डू मोर का मुतालबा करने आ रहे हैं। धरने में हमारी हुकूमत की नाकामी के बाद अमरीका के आगे जो हमारा केस है वो कितना कमज़ोर हुआ है, और इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हालात ही कुछ ऐसे हैं कि इन हालात में हाफिज़ सईद को रिहा किया गया, जिस पर अमरीका ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। फिर साथ ही हाफिज़ सईद की फिर से गिरफ्तारी की अपील भी की गई। इसके अलावा मुंबई हमलों के केस की तहकीकात भी सामने ही है। इस पर बात करने के लिए भारतीय वक्त भी अगले महीने पाकिस्तान पहुंच रहा है, और इस वक्त की आमद का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 24 भारतीय गवाहान की पेशी से मुतालिक मुज़ाकरात करना है। तो यहाँ ये पॉइंट भी अहम है कि भारत और अमरीका दोनों ही जानिब से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा, वो भी ऐसी हुकूमतों के आगे कि जिनके सरबराहान एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स की वजह से मशहूर है। नरेंद्र मोदी पर 2002 में गुजरात फसादात का इल्ज़ाम है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इंतखाबी मुहिम जो है वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पर मबनी है। और अब हालिया अगर हम मिसाल देखें, उनके ट्विटर अकाउंट पर गैर तस्दीकशुदा एंटी इस्लाम वीडियोज़ शेयर की गई, जिस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इन तमाम तर हालात में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का बयान आया जो कि खुशाइंद है। उन्होंने पाकिस्तान को काबिल एतबार इत्तेहादी करार दिया, और ये वाज़े किया कि पाकिस्तानी हुकूमत को ओसामा बिन लादिन की एबटाबाद में मौजूदगी का इल्म नहीं था। ये आज की डेवलपमेंट हुई। तो ऐसे में अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस की आमद से पहले ये बयान कितना खुशाइंद है, इस पर बात करते हैं। हमें जो साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। ट्रंप इंतज़ामिया की आमद के बाद से ही पाक अमरीका ताल्लुकात टेंस तो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान पर शिदत पसंदी के खात्मे में नाकामी का इल्ज़ाम भी लगता रहा, लेकिन अब अमरीकी वजीर दिफा पाकिस्तान आने वाले हैं। हालात ऐसे हैं कि आज ही पिशावर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ है, धरने की जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, तो दुनिया में पाकिस्तान को लेकर एक नया इमेज सामने आ रहा है। जेम्स मैटिस की जो आमद है इंतहा पसंदी से मुतालिक, हमें अपना केस उनके सामने पेश करना पड़ेगा कि आप ये समझते हैं, और फिर हमारा इमेज क्या गया है इस तमाम तर सिचुएशन के बाद दुनिया में? देखिए, जनरल मैटिस का मामला अहम है पर इतना अहम नहीं। ठीक, इससे ज़्यादा अहम है जो आपने पहले बात की, जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। वो दुनिया छोड़े, पाकिस्तान के पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल है, अगर हालात ठीक हो इंटरनली तो एक्सटर्नली भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। असल मसला यह है कि आपने जो कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। रोज़ाना जिस तरह हो रहा है, कभी कोयटे में, पेशावर में जी। ये बुनियादी वजह यह है, हालांकि इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशंस लॉन्च किए ज़रबे अज़ब और फिर रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में ये सारे एरियाज क्लियर हो गए थे। हुआ यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी वजह से फौज का भी जो ध्यान है वो ज़्यादा इंटरनल सिचुएशन की तरफ हो गया है। जब तक हम मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं करेंगे, मुल्क की गवर्नेंस बेहतर नहीं करेंगे, तो मुझे याद आता है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म विलियम ग्लैडस्टन 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, उनसे जब किसी ने यह पूछा था कि खारजा पॉलिसी का राज, तो उन जवाब दिया एक ही राज है और कुछ नहीं, कि आपकी मुल्क के अंदर गवर्नेंस अच्छी हो। आपको याद होगा दूसरी जंग अजीम में जब बरतानिया पे हमले हो रहे थे जर्मनी की तरफ से, ब्लिट्स था और लंदन वाले ट्यूब स्टेशंस में सोने पे मजबूर हो गए थे और जर्मन हवाई जहाज तबाह कर रहे थे लंदन में, तो लोग गए, उन्होंने विंस्टन चर्चिल, उस वजीर आजम हैं, उनसे कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है। उन्होंने सवाल पूछा तो लोग समझे कि उन्होंने शायद कुछ पी हुई है। उन्होंने पूछा कि भाई अदालतें काम कर रही हैं, तो लोग समझे मैं हम कह रहे हैं कि मुल्क लंदन तबाह हो रहा है और ये शख्स कह रहा है कि अदालतें काम कर रही हैं। उनका जी हाँ, अदालतें काम कर रही हैं, टाइम पे कर रही हैं, उनका कोई खतरा नहीं है। यानी आपका इशारा गुड गवर्नेंस की तरफ है, कसूरी साहब का इशारा गुड गवर्नेंस की तरफ है, तो गुड गवर्नेंस कहाँ नजर आती है आपको? क्योंकि धरने के बाद की जो सूरत हाल है, सालिसी का किरदार उन लोगों को दिया गया जो धरने वालों के मौकिफ की तायद कर रहे थे, जाहिर है इशारा जो है वो मसालियती कमेटी की जानिब चला जाता है। तो इब्तिदा से ही हुकूमत की जो गवर्नेंस थी और उसके बाद जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी, हुकूमत उस मामले को समझ ही नहीं सकी, सही से डील ही नहीं किया जा सका। आप समझते हैं कि ये सारा मामला
डील करने का था कि हुकूमत बेहतर तौर पर मामले को डील नहीं कर सकी? देखिए बात यह है कि उनसे आप तो ऐसे लग रहा है बातों से जैसे कि उनको ये को ऑल ऑफ अ सडन एक काम हो गया था। बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी होकर उन्होंने फैसला किया था। नेशनल एक्शन प्लान पे पाकिस्तान आर्मी के जो हिस्से हैं वो तो पूरे कर रही है, तो जो हमने करने थे वो क्या हो रहा है? उसमें हमारा नसाब था, उसमें हमारा जो मुनाफरत हो रही है जी, जो हमारा निज़ाम तालीम, जो हमारा वो करिकुलम है इस्लाम की, जो मैं जब बच्चा था स्कूल में जो मुझे बताया गया था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी जो तालीमात हैं जो उस वक्त बताई जाती थी, आज उनको गायब कर दिया गया है। आज इस्लाम का वो चेहरा कि लोग हुजूर को देख के किसी डर से नहीं, उनके कौंडा उनको देख के मुसलमान हो रहे थे। उस खातून की मशहूर कहानी जिसकी वो तबीयत पूछने चले गए थे, बिल्कुल बिल्कुल वो जो काफिर फरमा रहे हैं मुसलमान हो गई, बिल्कुल काफिर खातून जो कि मुसलमान हो गई है, वो जाहिर है हुजूर सल्लम की सीरत और उनका उनका जो रवैया था लोगों को लेकर उसको देखकर ही हुई थी। अब आज भी ईद मिलादुन्नबी का दिन था और आज इस तरह की दहशतगर्दी का वाकया हो जाना पाकिस्तान में तो एक वाकयात की सीरीज बन गई है। धरने में हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, फिर हाफिज सईद का मामला आया, इंटरनेशनल प्रेशर तो उसको लेकर भी है। ऐसे हालात में जब मुंबई हमलों पर की तहकीकात के लिए भारतीय वफद भी अब पाकिस्तान आने वाला है, वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। ना चाहते हुए भी धरने वालों के मुतालबात माने हैं, ना चाहते हुए भी हाफिज सईद को छोड़ना पड़ा है, हर तरफ से हुकूमत की बेबसी। आप क्या समझते हैं रियासत को ये कहां ले जाएगी, किस पॉइंट पर ले जाएगी? नहीं, बेबसी है, आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा जी। उसकी वजह है कि अब सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा एक बड़ा बुनियादी मसला है। मैं आपको अपने तजुर्बे से बात बताता हूं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं करने देगी, रिपीटेडली इंडिया कह रहा है, रिपीटेडली इस बात की प्रचार हो रही है। और भाई मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन बहुत आगे बढ़ गया था। मसला है कश्मीर, जिस पे 5 जंगे और 4 नियर वॉर सिचुएशंस हैं, हल होने के करीब था। पाकिस्तान आर्मी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सारे ऑन बोर्ड थे। वजह क्या थी? वजह इसलिए नहीं थी कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने वर्दी पहनी हुई थी, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, वर्दी की बुनियाद पर उनको सलूट पढ़ते होंगे। लेकिन जब तक वो कोर कमांडर्स को, फौज को और सब अपने इदारों को ना सेटिस्फाई करते, मैंने 3 साल डील किया है। जनरल कियानी उस वक्त DGISI थे, जनरल एहसन सलीम हयात उस वक्त वाइस चीफ अवामी स्टाफ थे। कश्मीर के मसले पर हमें 3 साल लगे, लेकिन सब ऑन बोर्ड थे, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट। सही, आप जब तक ऑन बोर्ड 1 पेज पे नहीं होंगे, ये जो आपने पॉइंट उठाया है कसूरी साहब, ये एक पे ना होना और ऑन बोर्ड ना लेना सबको, तो ये किस तरह से जो हुकूमत है उसको कमजोर कर रहा है? एक नई मजहबी जमात अचानक से तश्कील पा जाती है, 120 के जिमनी इलेक्शन हुए, उसमें 8 से 9 हज़ार वोट ले लेना, हुकूमत को खबर ही नहीं हुई, धरने के जरिए अपनी ताकत को मनवाना, तो कोई ना कोई तो है जो ऐसी कुव्वतों को फिर शह दे रहा होता है। ऐसे में वज़ीर दाखला एहसन इकबाल साहब ने भी तो कहा है कि जिस तरह बाज़ इस्लामी ममालिक में सूरत हाल कशीदा की गई, इसी तरह से पाकिस्तान में भी हालात पैदा किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि मिडिल ईस्ट वाले हालात यहाँ पर लाए जा रहे हैं? देखिए आप जो इशारे कर रहे हैं वो इशारे मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि किसने मशवरा दिया था हुकूमत पाकिस्तान को कि फौज को लाएं? ना फौज को लेके आते जी, मामला खुद हैंडल कर लेते। क्या इनके पास पुलिस नहीं? इनके पास रेंजर्स भी है इंटीरियर मिनिस्ट्री के बाद, और भाई फौज को तो आप लेके आए हैं, ला के फिर बदनाम भी कर रहे हैं। पॉइंट यह है कि अगर आप एक मामले को ख़राब कर देंगे और मुख्तलिफ शहरों में आग लग जाएगी और आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप फौज को लाएंगे और फौज उसके बाद आके एक मामला हल कराती है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो भी इशारे करे, हुकूमत जो भी इशारे करे, लेकिन जब रिकॉर्ड में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने मिल के जो है फैसले किए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन इशारों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत ये कह रही है, और जहाँ तक 120 का है,
अगर 120 में आप तो प्री वॉर हो गए थे, तो आपको किसने कहा था कि पंजाब से ही लोग आए ना भाई, उनको अगर रोका तो जा सकता था, छोटे छोटे जत्थों में बातचीत की जा सकती थी, मनाया जा सकता था। वो उस वक्त मानने से इनकार कर रहे थे जबकि उनकी अददी तादाद बहुत बढ़ गई थी, जब माशाल्लाह हमारे मीडिया के भाइयों ने उनकी बहुत इशाअत कर दी थी, उनका जो पैगाम था वो घर घर पहुंच गया था। उस वक्त उनको डील कराना, फौज को तो बुलाने, पुलिस को थका देना, पुलिस को भी मैं सलाम करता हूँ कि पुलिस बेचारी जो शुरू में खड़ी होती है, क्या ये उनके साथ ठीक हुआ है कि उनको खड़ा खड़ा करके थका दिया गया है। और मैं जज साहब की खिदमत में मुअद्दबाना खिदमत उनकी करूंगा, ये तो बताएं कि वहां कुश्ती करके उनको हटाना है, यानी ये क्या तरीका है भाई? आप पुलिस को ना भेजें, उनको कहना नहीं नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस आराम से चले जाएं, उनको समझा दें। और भाई अगर आपने उनको बिल्कुल ही बेसरोकार कर दिया है, हाथ उनके है कुछ नहीं, पुलिस को बदनाम करने का मकसद था, इसका मतलब है आर्मी, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, सिविल, हुकूमत सारे एक पेज पे होके, ये मामला इतना खतरनाक है क्योंकि देखें ये हमारे सर्वाइवल का मामला है। बिल्कुल, इसमें सबको एक पेज पे होने, एक पेज पर होना चाहिए, लेकिन एक पेज पर नहीं हो सके थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा, तमाम तर सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए जो बुनियादी नुकता है उसकी निशानदेही कर रहे थे कि अगर तमाम इदारे एक पेज पर होते तो ऐसी सिचुएशन हमें ना देखना पड़ती। वेलकम बैक। पूरी दुनिया 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे की कोशिशों में सरगर्म है, और इसी दौरान हमारे यहाँ एक और खातून गैरत की भेंट चढ़ गई। पीर के रोज़ इत्तेहाद टाउन के कब्रिस्तान से नौबेहाता जोड़े की लाशें बरामद हुईं, और जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। जिरगे के हुक्म पर उन्हें कत्ल किया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना 2 से 3 ख्वातीन हैं जो कि इसी तरह से कत्ल कर दी जाती हैं, जबकि सैकड़ों तरीकों से तशद्दुद का निशाना भी बनती हैं। ये तमाम तर जो तशद्दुद है इसकी रोकथाम के लिए पिछले चंद सालों से हुकूमती और गैर हुकूमती सतह पर बहुत इकदाम उठाए गए हैं, खुसूसन पंजाब में बहुत काम हुआ है। हुकूम रिस्मा बिल पास किया गया, फिर वायलेंस अगेंस्ट वेमेन सेंटर्स मुतारिफ कराए गए जिनकी कारकर्दगी भी काफ़ी इत्मीनान बख्श है। फिर ख़वातीन के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम लाहौर हाई कोर्ट की एक बहुत ही मुस्बत काविश है। इसके अलावा मीडिया के ज़रिए भी ख़वातीन के हुकूक के बारे में आगाही फराहम की जाती है। तो ख़वातीन का जो माशरे में मजबूत और मजबूत किरदार है इसको उजागर करने से उन पर जो तशद्दुद होता है उसके खात्मे की कोशिशें की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन वेमेन ने इसी तरह का पैगाम एक वीडियो के जरिए दिया, देना चाहते तो फिर मुकाबले में दें, दलील में दें, अल्फाज में दें। अब ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में आगे आगे हैं, मर्दों के शाना बशाना हैं, लेकिन जो तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए था वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब भी औरत तशद्दुद का निशाना बनती है, कभी गैरत की भेंट चढ़ती है तो कभी इज्जत के नाम पर कत्ल भी कर दी जाती है। आखिर क्यों हम ख़वातीन पर होने वाला जो तशद्दुद है उसको रोक नहीं पा रहे, और क्यों माशरे की जो सोच है वो बदलने में अब तक कामयाबी नहीं हो सकी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं मारवी मेमन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं और वर्ल्ड बैंक की जेंडर एंड इक्वलिटी कमेटी पर कायम जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी रुकन भी हैं। बहुत शुक्रिया मारवी आपका। ये जो ख़वातीन पर तशद्दुद होता है इसका एक पूरा सिलसिला है जो अब आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है ताकि इस तशद्दुद में कमी लाई जा सके। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये वायलेंस की यूनिवर्सल डेफिनेशन आखिर है क्या जिस पर सब मुत्तफिक हों, और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? पहली बात यह कि डेफिनेशंस में काफ़ी कंफ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दो किस्म के वायलेंस हैं मेरे नज़रिए में, और वो एक तो ऑब्वियसली फिजिकल वायलेंस है और दूसरा मेंटल वायलेंस है। मेरे ख्याल में हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, हमारी सिविल सोसाइटी के अलावा हमारी पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि हम अब बात कर रहे हैं फिजिकल वायलेंस के ऊपर, लेकिन मेंटल वायलेंस के ऊपर अभी तक हम बहुत पीछे हैं। जबकि दूसरे मुल्कों में ये जो, क्योंकि ये दोनों जंगें हैं, एक किस्म की वॉर है ना, टू बी एबल टू स्पीक अबाउट इट, तो एक चीज़ पे ज़्यादा बात हो रही है, दूसरी चीज़ पे अभी तक इतनी खुल के बात नहीं हो रही है। चाहे हो, चाहे वो इंसेस्ट हो, ये वो इश्यूज हैं जो पहले डिस्कस भी नहीं किए जाते थे और किसी की जुरत नहीं होती थी। चाहे वो बेहुर्मती हो, जैसे रिसेंटली आपको नज़र आया है हमारी सड़कों पर, ये पाकिस्तान के हर कोने में हो रहा है, ये प्रोविंस स्पेसिफिक नहीं है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। औरतें इसको किस तरह से हैंडल करती हैं,
मेरे ख्याल में दो तरीके हैं औरतों को हैंडल इसको हैंडल करने के. एक तो जो सबर और शुक्र जो हमें सिखाया गया इस्लाम में वो प्रिवेल करता है इस सोसाइटी में, ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इसमें हमारे लिए जो कानून है औरतों के लिए इस्लामिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. औरतों के जो हुकूक हैं वो किसी और जो है रिलीजन में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूक नहीं हैं किसी औरत के लिए जितने हमारे मज़हब में हैं इस्लाम में. लेकिन जिस तरह से उसकी जो है जो उसकी जिस तरह से उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इस्लाम को सामने रखते हुए नहीं होती है. क्योंकि अगर इस्लाम को सामने रखते हुए हर चीज़ हो तो फिर तो बहुत खूबसूरत माशरा हो, क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है, उसकी सज़ा जज़ा हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है. तो इस्लाम से हम दूर जा रहे हैं अगर ये माशरा. लेकिन आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की मारवी, इकदामात क्या लिए जाएं? आप बड़ी खूबसूरती से बयान कर रही हैं कि मेंटली और फिजिकली जो वायलेंस है, मेंटल वायलेंस को तो संजीदगी से नहीं लिया जाता है, फिजिकली वायलेंस पे फिर भी हम बात करते हैं. तो मौजूदा दौर हुकूमत में अगर हम देखें ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए काम बहुत हुआ है. हुकूक नस्वा बिल इस हुकूमत ने मंजूर किया, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन सेंटर्स मुतारिफ कराए गए. इसके अलावा बहुत काम हुआ है, खसूसी अदालतों का क्याम भी लाहौर हाईकोर्ट की एक मुस्बत काविश के तौर पर हम देखते हैं. इसके बावजूद ज़मीनी हकाइक अगर आप आकर वापस देखें, पाकिस्तान में आज भी रोज़ाना 2 से 3 ख़वातीन हैं जिनको कत्ल कर दिया जाता है. तो आपको लगता है तशद्दुद के खात्मे में जो भी इकदामात किए गए वो काफ़ी हैं, और इससे आगे बढ़कर क्या कुछ करने की ज़रूरत महसूस करती हैं आप? फिर नहीं, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, प्रोसेस में हम काफ़ी आगे आए हैं. लेकिन इशू क्या है? इशू एटीट्यूड्स हैं. अगर एटीट्यूड्स इस्लाम के मुताबिक हों तो इस मुल्क में काफ़ी आसानियां हो जाएं. एटीट्यूड्स ये हैं कि जब एक औरत के साथ होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसके ऊपर वो जब आवाज़ उठाती है तो वो ब्लैक बॉल हो जाती है. पॉइंट ये है, अगर वो आवाज़ उठा के अपनी जद्दोजहद करती है और अपने लिए हुकूक एज पर इस्लामिक लॉ एज पर पाकिस्तान लीगल सिचुएशन लेती है, तो इंस्टेड के उसको चलो उससे वो ले तो लेती है, लेकिन जो उसके साथ हशर होता है सोसाइटी में वो बहुत बुरा होता है. तो मैं बात आज करना चाह रही हूँ नॉट कि जी हमारे लॉज कितने स्ट्रांग हैं, हम क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आएगी? इम्प्लीमेंटेशन वहीं से आएगी ना कि भाई क्या आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है औरतों के लिए कि वो छुपे नहीं जब उनके साथ तशद्दुद हो, वो आके खुल के बात करें और जो है सज़ा दिलवाएं उस कल्प्रिट को. क्या वो खातून इतनी सेफ फील करती है इस माशरे में कि वो खुल के बात कर सकती है और सज़ा दिलवा सकती है? क्योंकि उसके पास लॉस तो है, उसके पास सारे पावर्स हैं, लेकिन क्या उसको वो सेफ्टी उस माशरे में मिली हुई है ताकि उसको फिर उसके बाद जब वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाए तो उसके साथ और मजीद ज्यादती ना हो इस माशरे में? मसला सारा ये है कि उसके साथ और मजीद ज्यादती होती है, उसको पुश डाउन किया जाता है कि जी आप बात ना करें, क्योंकि वो जिनके खिलाफ आप बात करना चाह रहे हैं वो बहुत पावरफुल हैं. और सोसाइटी में यही होता है ना, कौन तशद्दुद करता है? जो दूसरी जो ज्यादा मतलब मेल जाहिरी बात है, लेकिन उसके साथ वो पावर भी तो इन्वॉल्व होता है ना, उसमें पावर गेम आल्सो. और उसके साथ साथ सिर्फ मर्द नहीं इन्वॉल्व होता, अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से औरतों की भी सपोर्ट थोड़ी बहुत होती है. एक औरत ही दूसरी अगर वो अलाउ भी करती है तो अगर पूरा नेटवर्क ही स्ट्रांग हो, एक औरत कह नहीं अलाउ नहीं है, वो भी डट जाए बिल्कुल, और मर्द फिर किस तरह से बेशक कितना भी पावर औरतों का खुद जातियां हमने देखी दोनों साइड होती हैं. मैं आज सिर्फ ये कहना चाह रही हूं, बहुत शुक्रिया मारवी मेमन रुकने के, हमारे हमरा मौजूद थी. और ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है उसके ख़िलाफ़ आलमी तौर पर बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, और ये काविशें जो हैं ये उसी सूरत में कामयाब हो सकती हैं कि जब ख़वातीन खुद भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं. इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.